सोफा के अंदर वो है स्नोमैन। आ चुके हैं स्नो पार्क, स्नो पार्क जहाँ पे पूरा स्नो थीम है और अंदर माइनस में टेम्परेचर होगा एंड हम लोग बहुत स्नो स्नो सा फील करने वाले हैं गोवा में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप देख रहे पूरा स्नोमैन वगैरह बना हुआ है। बाकी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कैसा है। लगेज का है और यहाँ से हमारे शूज मिल रहे हैं और ये जो जैकेट वगैरह जो हम लोग पहनने वाले हैं। तो बाकी लोग हमें रेडी हो रहे हैं, ठंडा अभी तो ये लगना शुरू हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ स्नो पार्क में जाने के लिए। तो लेट्स गो, बाकी अंदर का दिखाती हूँ मैं आपको। I love you, Mommy. तो यहाँ पर ऐसे ही इग्लू, बाकी छोटे छोटे हाउसेज और ये चेयर्स वगैरह बने हैं और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। और साथ में डीजे भी है तो आप डांस भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। तो कंप्लीट पैकेज है एंजॉय करने के लिए और साथ में बार भी है यहाँ पे, आप ड्रिंक्स वगैरह मॉकटेल्स कॉकटेल्स कुछ भी आप चाहो तो ले सकते हो। ये प्यारी सी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी शॉर्ट्स की क्लासेस भी हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ओह नो, तो यहाँ पे वो मुझे थोड़ा सा लेक्चर वगैरह देने लग गए थे। माज कर दी वाह बेटे वाह, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस देखने में जितना अच्छा लग रहा है चढ़ने में उतना ही डिफिकल्ट था। कई बार ट्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई, पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। Yeah!
Snoop Dogg. यहाँ पे अभी अगर आप फ्रीज हो जाओ अभी इसमें आके आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो एंड देन फिर से मस्ती अनलिमिटेड टाइम तक आप यहाँ रह सकते हो। गाइस अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और बहुत 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 बहुत, बहुत, बहुत मज़ा आया और लेकिन बहुत ठंडा था, मेरी नोज भी आप देखो एकदम रेड हो चुकी है लेकिन मज़ा बहुत आया। अगर आप वो आ रहे हो तो आप इस प्लेस को डेफिनेटली विजिट करना, बहुत ही अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल तो है लेकिन बहुत अच्छा। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू मोमबत्ती मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना बीच में यहाँ पे रुके हुए हैं और पता नहीं कौन सी जगह है लेकिन व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है।